गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th इंटीग्रेशन टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बेसिकली इस टॉपिक को स्टार्ट करने का जो पर्पस है वो ये है कि सीबीएसई ने जैसे कि अभी डेट शीट जो है डिक्लेयर कर दिया है क्लास 10th एंड 12th एग्जाम्स का, फाइनल एग्जाम का। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन टॉपिक का जो वेटेज है क्लास 12th में वो सबसे ज़्यादा है। तो मेनली जो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली जो है उसको थ्योरेटिकल अप्रोच जो है टॉपिक की वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मेनली जो फोकस होगा वो ये रहेगा कि कैसे हम जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उनको किस तरह से हम जो है सॉल्व कर पाएं। और इस टॉपिक में जो भी आपके डाउट्स होंगे आई एम श्योर कि आपको जो है वो लास्ट तक जब आप ये जो है टॉपिक कवर कर लेंगे इस वीडियो से तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन स्टेप वाइज मैं आपको जो है इंटीग्रेशन टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक्स हैं कि किस तरह से जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है या एंटी डेरिवेटिव्स है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो सभी मैं वन बाय वन करके यहां पर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन एज अ एंटी डेरिवेटिव। मीन्स कि आपको जो सबसे पहले आप क्लास 12th एक्सरसाइज में आप पढ़ते हैं के फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जनरली होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपको एक मान लीजिए आपको गिवन है डी डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, राइट। और आपसे पूछा जा रहा है कि एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। मीन्स आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है जी एक्स का। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स अब यहां पर जो हमको गिवन कंडीशन है वो क्या थी कि एफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, राइट। तो जब आप डिफरेंशिएशन को जो भी मतलब यहां पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है आप राइट साइड में डिफरेंशिएशन को अगर राइट साइड में डिफरेंशिएशन को हम जो है कंसिडर करें तो जो डेरिवेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स, राइट। और जो इंटीग्रेशन होता है उसमें ये जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए यहां पर हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इसका एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे बच्चों मान लीजिए एग्जाम्पल की फॉर्म में कि आपको गिवन है डी डी एक्स ऑफ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं साइन ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको मालूम है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स, राइट। अब हमें इसका एंटी डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, जैसे कि यहां पर था कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी एक्स। तो इसी तरह से अगर आप इसको हम क्या कंसीडर कर लें, एफ एक्स कंसीडर कर लें, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का, आप इससे रिलेट करेंगे इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा जो यहां पर डिफरेंशिएशन के साथ लिखा है, दैट इज एफ एक्स। तो बच्चों इसी तरह से cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और एक कांस्टेंट हम अपने साथ यहां पर जो है कंसीडर करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x प्लस c। तो ये एक एग्जांपल था जो कि इस fx इक्वल टू gx के कॉन्सेप्ट में था। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसमें कि और एंटी डेरिवेटिव्स की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में,
तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले जितने भी फॉर्मूलाज इस टॉपिक के हैं, इंटीग्रेशन टॉपिक के, वो आप एक पेज पर लिख लेना और उसको जो है बार बार रिवाइज करना, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि आप उस क्वेश्चन को समझ पाएं और सॉल्व कर पाएं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक बुक है, इसमें जो है जनरली वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, राइट। तो उसी से मैं जो हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा। तो कैसे हम जो है एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि सपोज दैट यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का, cos 2x एंटी डेरिवेटिव, राइट, एंटी डेरिवेटिव, ओके, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो इसके लिए आपको सिंपली ये देखना है कि cos 2x जो है वो किसका डिफ्रेंसिएशन है, राइट। अभी यहाँ पर जैसे एंगल 2x, 3x, x by 2 कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करना है, सिंपली आपको ये देखना है बच्चों कि cos, यहाँ पर जो फंक्शन है cos, वो किसका डिफ्रेंसिएशन है। तो आप सबको मालूम होता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका sin x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin इज cos, राइट। नाउ यहाँ पर क्या है, अभी एंगल 2x है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 2x ले लेते हैं, ओके। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है। तो देखो सिंपली साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो गया, बट डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक चैन प्रोसेस होता है। तो अभी हमने फंक्शन का किया है, इसके बाद किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2। तो आप यहां पर देखो cos 2x into 2 हमको मिल गया, बट हमें जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है उसमें ओनली cos 2x है। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लेंगे। तो बच्चों यहां पर मिल जाएगा 1 by 2 d dx यानी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, राइट, sin 2x इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा cos 2x, क्लियर। देखो हमको cos 2x चाहिए था, cos 2x आ गया। अभी ये 1 by 2 जो भी यहां पर कांस्टेंट वैल्यू बाहर है उसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ 1 by 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 by 2 into sin 2x is cos 2x, क्लियर। तो जब आपको ये मिल जाए कि cos 2x या जो भी यहां पर जिसका आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो इस कंप्लीट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, cos 2x मिल रहा है। इट मींस दैट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1 by 2 sin 2x, राइट, 1 by 2 sin 2x, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स एंटी डेरिवेटिव में आपको किस तरह से करना है, यहां पर आपने देखा अभी कि सिर्फ आपको यह देखना है कि जिस फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किसका इंटीग्रेशन है, और बस उसको जो है आप फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें एंटी डेरिवेटिव का थोड़ा कम वेटेज होता है, मतलब कम चांसेस होते हैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का, और अगर आता भी है तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी cos 2x का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया। चलिए एक एल्जेब्रिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किस फंक्शन का क्या है डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले आप देखो d dx ऑफ, एलजेब्रा में आप ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितना है, यहाँ पर पावर 2 है और हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती है ना, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है और डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर x टू द पावर 2 है, तो इस हमने किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया होगा कि पावर 2 रह जाए, तो बच्चों यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया होगा x क्यूब का, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो x स्क्वायर रह जाएगा प्लस। सिमिलरली यहां पर आप देखो x टू दी पावर 3 है, ये कब आएगा, जब यहां पर x टू दी पावर 4 होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन इसका देख लेते हैं क्या आएगा,
इक्वल टू सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4, राइट। तो देखो डी डी एक्स ऑफ इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 इज 4x क्यूब, राइट। अब आप यहां पर देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टर्म आया है, जो एक्सप्रेशन आया है, ये वही एक्सप्रेशन है जिसका हमको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, क्लियर। 3x स्क्वायर 4x क्यूब, राइट। इट मींस इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है नेक्स्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया और उसमें आपको कंपलसरीली कहेगा कि भाई आप इस मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं है। जनरली कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपकी चॉइस है, आप जो फंक्शन जो भी उसमें कॉन्सेप्ट मेथड लगा सकते हो जो आपको ईजी लग रहा हो। तो देखो कुछ एग्जाम्पल इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक जो सिंपल क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन से पहले एक दो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां पर डिनोमिनेटर में जो पावर है वेरिएबल की वो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर है उसकी कंपैरिजन में लेस है या मोर है। तो यहां पर देखो डेनोमिनेटर में पावर कम है और न्यूमिरेटर में पावर ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है ना। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले आप इसको कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके या डायरेक्टली डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं कि डेनोमिनेटर से न्यूमिरेटर को डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसको आप लिख लें, राइट। बट यहां पर जो है मैं थोड़ा दूसरा मेथड अप्लाई कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ x का 4 है यहाँ x का पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 1 को माइनस 1 एंड प्लस 2 लिख सकते हैं, फिर 2 में 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अपॉन x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 1 प्लस x टू दी पावर 2 प्लस 1 इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन। अब आप देखो मैं यहाँ पर भी यहाँ पर क्या ले रहा हूँ 1 का पावर 2 ले रहा हूँ, ये आइडेंटिटी बनी x टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 4 को आप इस तरह से लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर सेकंड टर्म, तो आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, तो उसी से मैंने यहाँ पर इसको लिखा। प्लस में 2 चल रहा है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टर्म के डिवाइड में भी डेनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा और 2 के डेनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा और होल का इंटीग्रेशन, क्लियर। अब देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर दोनों फंक्शन क्या होंगे दोनों जो एक्सप्रेशन है वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये आया इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो मैं बाहर रख रहा हूं उसको, और इंटीग्रेशन क्या कर रहा हूं सेपरेट सेपरेट कि इस टर्म का इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा इस टर्म का इसके साथ, इंटीग्रेशन में अलग अलग लिखेंगे। तो यहां पर आया हमारे पास एक मिनट शायद विजिबल नहीं होगा, तो यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं इसको प्लस इंटीग्रेशन टू आउटसाइड 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स,
राइट इक्वल। अब देखो ये बिल्कुल एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन एक्स प्लस टू, और ये फॉर्मूला किसका होता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट हमने अपने पास से यहाँ पर लिखा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। वन एक्स को आप नॉर्मली एक्स भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में हैं, देखो ये आया हुआ है 2012, जैसे कि और एक दो क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। एक क्वेश्चन है हमारे पास ये इंटीग्रेशन x प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस थ्री एंड डीएक्स, क्लियर ये क्वेश्चन है। अब इसको जैसे दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं बट अभी हमने वो पढ़ा नहीं है तो हम उसको जो है दूसरे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे करें, आप यहाँ पे देखो कि ये स्क्वायर रूट में है ये टर्म और ये विदाउट स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर डेनोमिनेटर मतलब जो रूट के अंदर जो फंक्शन है वही हम बाहर बनाने की कोशिश करें, राइट। तो देखो कैसे, इंटीग्रेशन एक्स माइनस थ्री प्लस फोर, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ब्रेक किया था फंक्शन को, ऐसे यहाँ पर भी जो है हम एड सबट्रैक्ट करके जो है सेम एज इट इज फंक्शन बनाएंगे x माइनस थ्री एंड dx, राइट। अब देखिए यहां पर x माइनस थ्री प्लस फोर एंड रूट एक्स माइनस थ्री, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस थ्री के साथ में रूट एक्स माइनस थ्री आएगा, क्लियर, और फोर के साथ भी रूट एक्स माइनस थ्री होगा और dx, क्लियर। अब यहां पर आप देखो सेम वैल्यू मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू है वही यहां पर, तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी, तो ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस थ्री वन बाई टू, पावर यहां पर है वन यहां पर है, एड किया तो पावर हो गया थ्री बाई टू और dx मैंने साथ में लिखा, प्लस फोर आउटसाइड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x माइनस थ्री रेज टू दी पावर वन बाई टू एंड dx, क्लियर। नाउ स्टूडेंट सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पावर थ्री बाई टू है इंटीग्रेशन में वन पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू x माइनस थ्री रेज टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा कितना 5 बाई टू और डेनोमिनेटर में भी क्या आएगा 5 बाई टू प्लस 4 प्लस 4, यहां पर 1 बाई टू पावर है तो ये हो जाएगा 1 बाई टू प्लस 1 दैट इज x माइनस थ्री रेज टू दी पावर 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू और प्लस एक कॉन्स्टेंट, क्लियर। अब हम इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेनोमिनेटर में 5 बाई टू है, न्यूमिनेटर में लेकर के जाओगे तो ये आ जाएगा 2 बाई फाइव x माइनस थ्री रेज टू दी पावर फाइव बाई टू प्लस टू फोर ज एट बाई थ्री एंड x प्लस थ्री होल रेज टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू एड सब्ट्रैक्ट करके, पहले हम डेनोमीटर की सिमिलर जो है फंक्शन बाहर बनाएंगे और उसके बाद उसको जो है नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसके जो है आपको अपने आप से करने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड पर जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cos 2 theta upon cos x minus cos theta and d theta, हालांकि ये algebraic function नहीं है, trigonometric function है, but मैं आपको फिर भी दे रहा हूँ क्योंकि ये NCERT focused question है, cos x minus cos y वाला formula आप यहाँ पर लगाएंगे, और अगर उससे नहीं करना है तो आप जो है इसको दूसरे मेथड से कर, सॉरी हाँ उससे नहीं करना बल्कि क्योंकि दोनों में फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा,
यहाँ पर आप लिखेंगे cos 2x का फॉर्मूला, ये चलिए मैं इसको बता देता हूँ, है ना, cos 2x, cos 2x में मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट, माइनस cos 2 थीटा में भी यही वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कैसे मालूम हुआ कि cos 2 थीटा का यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो दो फंक्शन है और दोनों कौन से हैं, यहाँ पर cos का फंक्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर एक साइन का फंक्शन होता, एक cos का होता, तो हम उसी तरह से cos के दो अलग अलग फॉर्मूले ओपन करते, इन रेस्पेक्ट टू cos थीटा और इन रेस्पेक्ट टू sin थीटा। नाउ डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको एज इट इज ले लेंगे, दैट इज cos x माइनस cos थीटा एंड dx। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो माइनस वन है वो कैंसिल हो जाएगा जब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। लेट सी, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस वन माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx। सो माइनस वन कैंसिल बाई प्लस 1। अब यहाँ पर आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन है और ब्रैकेट में होगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन 2 कॉमन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा dx अपॉन, अपॉन में जो वैल्यू है एज इट इज लिखेंगे cos x माइनस cos। अभी न्यूमरेटर में हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखो ये मिलेगा 2 बाहर cos x प्लस cos थीटा, अनदर ब्रैकेट cos x माइनस cos थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा एंड dx, क्लियर। अभी यहां पर देखो cos x माइनस cos थीटा वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्लियर, और ये आएगा 2 इंटीग्रेशन cos x, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। यहां पर x नहीं है, यहां पर x नहीं है, cos थीटा है, तो थीटा है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर गलती से आप sin थीटा मत लिख देना, क्यों, क्योंकि cos थीटा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x cos थीटा प्लस कांस्टेंट c। आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, ये जो है एग्जाम में ये आया हुआ है बोर्ड में, 2014 का क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से भी करने हैं, मैं यहां पर अभी लिख देता हूं 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्वेश्चन है यहां पर x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हैं या इसमें जो है आप कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एक ये आपको करना है अपने आप से। दूसरा मैं आपको लिख रहा हूं इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन आपको करना है, ओके। एक और क्वेश्चन लिखता हूं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें जनरली मोर देन 70% क्वेश्चन हम जो है इस मेथड से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सबसे पहले जो है आपको इसके सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बिना फॉर्मूला के आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का कि कैसे हम जो है इस मेथड को अप्लाई करते हैं, राइट। क्वेश्चन यहां पर लेता हूं मैं एग्जांपल इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर या टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और सिंपल सा क्वेश्चन है
लेकिन करना किस मेथड से, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इन जो भी यहाँ पर फंक्शन है, टू फंक्शंस हो, थ्री फंक्शन हो, मोर देन थ्री फंक्शंस हो, तो आपका पहला टास्क ये है कि सबसे पहले ये आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसको डिफरेंशिएट करके आपको जो मिलेगा वो इसी क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो देखो वन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, वन प्लस एक्स स्क्वायर को देख रहा हूँ। वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करोगे कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए। तो इसीलिए क्या, लेकिन ऐसा है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको, एलजेब्रिक फंक्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी अगर दो फंक्शन ऐसे हैं जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एलजेब्रिक है, तो आपका जो माइंड है वो तुरंत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही जाना चाहिए कि आप उसी को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूटिंग tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, यहां पर हमने t कंसीडर किया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन यहां पर dx हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब ये सोच रहे हैं आपके सर t का t के रेस्पेक्ट में तो 1 होना चाहिए, एक्चुअली ये लीनियर डिफरेंशिएशन है, तो आप इसको लीनियर डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में भी कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो dx by dt equal to 1, तो तब भी जो है वो वहां पर राइट साइड में dt हो जाएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो tan इनवर्स x क्या पुट किया था हमने, t, तो यहां पर हम लिखते हैं t। डेनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी डेनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो 1 अपॉन, यहां पर 1 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt। तो हमने यहां पर लिखा dt। t का इंटीग्रेशन सिंपली t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 बाई 2 t स्क्वायर, t का वैल्यू था tan इनवर्स x, और यहां पर स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए, इसका जो है आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।